नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण गतिविधि मॉड्यूल 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहले मुख्य प्रश्नोत्तरी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे हौसले को बहुत बढ़ा देता है। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप इसे दबा लीजिए जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर एक लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग प्रश्नोत्तरी शुरू कर लें। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? तो आपका आंसर होगा क्लास 3 से लेकर क्लास 9 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्कूल शिक्षा में संबंधित किसी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर में 15 लाख स्कूल को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल क्या है? तो दीक्षा पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, सगुन पोर्टल और कर्तव्य पोर्टल। तो इसका आंसर होगा सगुन पोर्टल। आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्यों और संघ राज क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन संस्था कौन सी है? तो राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय, राज्य का खजाना, राज्य कार्य समिति, राज्य क्रियान्वयन समिति। तो इसका आंसर होगा राज्य क्रियान्वयन समिति। इसका आंसर, चलिए आगे और बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा का एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती परियोजनाएं प्रायोजित योजना है, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान RMSA, मिड डे मील MDM। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान, रूसा और शिक्षा शिक्षक शिक्षा। तो इसका आंसर होना चाहिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? शाला दर्पण, दीक्षा ऐप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल और यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो इसका आंसर होगा यूडाइस। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो इसका होना चाहिए सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? अतिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान, तिथि भोजन, खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो इसमें मुझे लगता है कि तिथि भोजन, अतिथि भोजन इसका दृष्टिकोण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ? ऑप्शन देख ले। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, सर्व शिक्षा अभियान 2000 और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो इसका आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान 2000। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? पूर्व विद्यालय से 12वीं तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 7 तक, कक्षा 1 से 12वीं तक। तो इसका आंसर है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। समग्र, यहाँ पे एक एरो इसको आप दबा लीजिए। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक है पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत, बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया,
खिले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान इसका हिस्सा नहीं है। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 आंसर होगा। तो आप देख लीजिए किसमें है, 1, 2 इसमें है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यही आंसर होगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। हमने 10 क्वेश्चन किया है और 10ों का आंसर हमने दे दिया है, कोई भी स्किप नहीं किया। अब इसको हम सबमिट करके देख लें। सबमिट कर चुके हैं और स्कोर आपके सामने है 10/10। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। एक बार पुनः मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।